हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज क्लास 11 चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, एम्स में भी काफी अच्छा वेटेज रहा है 1 से 2 क्वेश्चन। मकसद क्या है इस क्विक रिवीजन सीरीज का, क्योंकि जो पेपर सेट किए जाते हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी से सेट किए जाते हैं। आप पिछले 10 सालों के पेपर उठाकर देख लो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बने हुए होते हैं, चाहे एम्स की बात हो और चाहे नीट की बात हो या जिपमर की बात हो। तो एनसीईआरटी का वेटेज आप समझ सकते हैं कितना खास वेटेज है। तो हम टोटल 15 चैप्टर का क्विक रिवीजन सीरीज देख चुके हैं और हम आ चुके हैं ये चैप्टर 16 में। इसका क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज हमने देख लिया है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पूरा चैप्टर। इसमें हम 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। एक तो मैंने येलो हाइलाइटर का यूज किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उससे मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनसीईआरटी में उसको अंडरलाइन किया है, और रेड से वो चीजें अंडरलाइन है जो एग्जामों में पूछी जा चुकी है पिछले सालों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा चैप्टर। ये जो पहला पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये पूरे पैराग्राफ में बताया गया है फूड का इंपॉर्टेंस। हम फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, हम इस पार्ट को कंज्यूम करते हैं। इसके साथ ही विटामिंस और मिनरल्स को भी कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारे ग्रोथ होता है, टिश्यूज रिपेयर होती हैं। इसके बाद हम तो जाने पहले डाइजेशन होता क्या है, जो इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कोई सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं डाइजेशन। ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से होता है। ये तो सिंपल सी बात थी डाइजेशन के बारे में। अब आगे खास कुछ बात, अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 तरह की चीजें आती हैं। पहले तो इसमें हमारा एलिमेंट्री कैनाल आएगा और इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं कौन कौन, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियाज है। तो चलिए पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल आप जानते हैं, माउथ है इसमें, फिर एनस है, फिर इसमें बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं। अब इसमें टीथ पे आते हैं, टीथ हमारा इसमें खास हो जाता है। टीथ में तो आप 3 पार्ट जानते ही हैं, क्रॉन होता है, नेक होता है, रूट होता है। ये सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, जो पूछा जाएगा कैरेक्टर वो मैं आपको बता रहा हूं। टाइप, जो टीथ के टाइप होते हैं, पहला ये टाइप होता है थेकोडोंट। ये ह्यूमंस में होते हैं, थेकोडोंट, डायफियोडोंट, हेटरोडोंट, ये तीनों जो है मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो पहली चीज है थेकोडोंट। तो थेकोडोंट क्या होता है कि जब जो टीथ होती है, जब जॉ के बोनी सॉकेट में होती है, तो इसको बोलते हैं थेकोडोंट, ठीक है। नेक्स्ट डायफियोडोंट में आते हैं। डायफियोडोंट में क्या होगा, दांत 2 बार आएंगे, मिस मिल्क का एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है डिसाइडस टीथ। मिस जो एक मिल्क टीथ को ही डिसाइडस टीथ बोलते हैं, और इसके बाद एक परमानेंट टीथ आगे आएगा, तो डायफियोडोंट इसको बोलते हैं। मिस अपीयर ट्वाइस इन लाइफ, लाइफ में 2 बार आता है। तो ये बात थी डायफियोडोंट के बारे में। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, मैंने आपको डील कर दिया है क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज में। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, यहां से एम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। 2011 में एम्स में ये डायग्राम पूछा गया है। तो डायग्राम में एक एक चीज आप देख लें। इस बार एनसीईआरटी में करेक्शन आई है सिग्मोइड कोलोन के बारे में, यहाँ पे एड कर रखा है यहाँ पे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम देख रहे थे आप। इसके बाद ये तो आप जानते हैं 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसलिए नाम क्या पड़ा, हेटेरोडोंट, मींस डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ मैमल्स में होते हैं, इसलिए नाम पड़ा। 4 तरह के टीथ होते हैं, एक तो इंसाइजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये 4 तरह के किसी एडल्ट में ये टीथ होते हैं। तो इनका जो फॉर्मूला है अपर जॉ और लोअर जॉ का 2123/2123×2, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टीथ का, जो कि बना हुआ होता है इनामेल से, मैस्टिकेशन में ये हेल्प करता है। चारों का फंक्शन अगर आप देखें इंसाइजर का, कटिंग और बाइटिंग में। नेक्स्ट कैनाइन है तो टियरिंग ऑफ फूड में, जैसे कार्निवोर्स वगैरह में काम आता है। अच्छा आप ये बताओ, हर्बीवोर्स में तो नहीं होता कैनाइन, तो वहां पे कौन सा स्पेस होता है जो एम्प्टी स्पेस है, डायस्टेमा बोलते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। इसके बाद प्रीमोलर का काम क्या होता है, तो च्यूइंग में, क्रशिंग ऑफ फूड में सेम काम मोलर का भी होता है। तो ये बात हम देख रहे थे टीथ के बारे में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो टंग। टंग जो होता है जनरली स्केलेटल मसल से बने हुए होते हैं, जानते ही हैं आप। ये फ्लोर से नीचे जो कनेक्ट होता है वो लिंगुअल फ्रेनुलम, ये टंग को कनेक्ट करने का काम करता है नीचे से। तो ये आप याद रखेंगे। आप तो जानते हैं ना पैपिली होती है, स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं टंग पे, कुछ स्मॉलेस्ट भी होती है, मीडियम भी होती है, लार्जेस्ट भी होती है, मींस टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, तो वो आप याद रखेंगे। इसमें जैसे फेरिंग्स है तो कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी।
नेक्स्ट बात आती है ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप बोला जाता है। एक बात आती है एपिग्लॉटिस की, वो आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आप सिर्फ याद रखेंगे एपिग्लॉटिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एपिग्लॉटिस, ये चीज आप याद रखेंगे। ग्लॉटिस क्या है, तो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को ग्लॉटिस बोलते हैं। इसोफेगस क्या है, तो एक थीन लॉन्ग ट्यूब है जो कि आगे नेक को पास करते हुए, थोरैक्स को, डायफ्राम को पास करते हुए आगे ये स्टोमेक में आता है। स्टोमेक कैसा है, तो जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टोमेक बोला जा रहा है। ये टीथ का डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे सॉकेट है, तो सॉकेट में जो अटैचमेंट हुई है उसको क्या बोल रहे हैं, थेकोडॉन्ट, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद एक मस्कुलर स्फिंक्टर है जिसे बोला जा रहा है गैस्ट्रो इसफिजियल स्फिंक्टर, जो कि फूड को रेगुलेट करता है कि इसोफेगस से स्टोमेक में फूड जा रहा है उसकी बैक एंट्री ना हो इसलिए। अब स्टोमेक के चार पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडिक और पैलरी। जो बॉडी है इस बार नया इसको इंक्लूड किया गया है, पिछले बार ये नहीं थी। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी है, ये सेंट्रल रीजन होता है, इसको इंक्लूड किया गया है, तो अब याद रखेंगे ये पार्ट। इसके आगे जो पैलरिक है वो आगे जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है उसमें जाकर वो खुल जाएगा, मीन्स ड्यूडेनम में। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो तीन रीजन में डिफाइन होता है, एक तो ड्यूडेनम, एक जेजेनम और एक इलियम। जो ड्यूडेनम है वो सी शेप्ड है, इसका करेक्शन हुआ है, पहले ये शेप अलग इसमें बता रखा था यू शेप्ड, तो ये सी शेप्ड है, आप याद रखेंगे। लॉन्ग कॉइल्ड कौन है, जेजेनम, और हाईली कॉइल्ड कौन है, इलियम। आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा कितने मीटर की है। आगे बात करें पैलरिक स्फिंक्टर। अब जैसे स्टोमेक है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोमेक, अब स्टोमेक से फूड पास हुआ ड्यूडेनम में, तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होना चाहिए, नहीं तो बैक फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लगा हुआ रहता है तो पैलरिक पे ही नाम पे है, तो नाम पड़ा पैलरिक स्फिंक्टर। इसके बाद जो इलियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आकर ओपन हो जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट होते हैं आप याद रखेंगे, एक तो सीकम होता है और कोलोन और रेक्टम है। तो पहले सीकम की बात करते हैं। सीकम एक ब्लाइंड सैक है जिसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और यहीं से अपेंडिक्स एराइज होता है जो कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जिसे बोला जा रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक वेस्टेजियल ऑर्गेन है जिसका काम पहले हुआ करता था सेलुलोज के डाइजेशन में, लेकिन अब इसका काम नहीं होता है, जो कि सीकम से एराइज हुआ है। सीकम आगे कोलोन में खुलता है। अब कोलोन के चार पार्ट है, पहले तो तीन बता रखे थे, इस बार सिग्मोइड कोलोन को जोड़ रखा है, एक एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग पार्ट और सिग्मोइड कोलोन, ये चार पार्ट होते हैं। और तो आप जानते ही हैं, इसके बाद डिसेंडिंग कोलोन के बाद जो सिग्मोइड है फिर जाकर रेक्टम में आगे खुल जाता है, रेक्टम के बाद एनस में। तो ये हमारी पार्ट थी पूरी की पूरी। अब बात आती है जो एलिमेंट्री कैनाल के वॉल होते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी अब यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें चार लेयर टोटल होते हैं, इसोफेगस से एनस तक की ये पूरी चार लेयर है, आउटर से लेकर इनर तक। आपसे पूछा जाएगा आउटर लेयर कौन है, तो सेरोसा। चार लेयर होते हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, सेरोसा, जो कि थीन मेसोथीलियम से बना हुआ है, जो कि विसरल ऑर्गन्स के एपिथेलियम होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं। आगे मस्कुलरिस, ये स्मूथ मसल से बने हुए हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये आप याद रखेंगे, आईसी और ओएल। ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं। नेक्स्ट सबम्यूकोशा, जो सबम्यूकोशल लेयर होता है ये जनरली ड्यूडेनल ग्लैंड यही प्रेजेंट होते हैं, जिसको ब्रनर्स ग्लैंड हम बोलते हैं, आगे आएगी ये बातें। तो ये चीज थी, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होती है इसमें नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड और लिम्फ वेसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो ड्यूडेनम आपको बताया है मैंने, ग्लैंड्स का नाम आपको याद रखना है ब्रनर्स ग्लैंड। इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो म्यूकोशा, उसे बोलते हैं सेक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल वही मौजूद होते हैं। इसके आगे इरेगुलर फोल्ड्स होती हैं इनमें, जिन्हें रगी बोला जाता है। फिर आगे स्मॉल फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, विलाई, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने में काम आते हैं, तो ये सब यही मौजूद होंगे म्यूकोशा में। और भी कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ये आप स्ट्रक्चर पूरा का पूरा देख सकते हैं, जैसे सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है और अंदर का जो लेयर है वो म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर जिसे बोला गया है। इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल आपने देख ही लिया है। आगे बात करें माइक्रोविलाई की, बात की जा रही है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टाइप का सेल होता है यहाँ पे, और सरफेस एरिया को इनॉर्मसली इंक्रीज करने के काम आता है ये सब। आगे बात करें जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, लुब्रिकेशन में मदद करते हैं। लैक्टियल तो आप जान ही रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये लैक्टियल है, ये काम एब्जॉर्प्शन में बड़ा गजब का रोल प्ले करता है। और भी इसमें बात देखें तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं तो उनका भी सिक्रेशन यहाँ पे होता है, स्टोमेक में ही होगा। और यहाँ पे क्रिप्स ऑफ लिवरपून की बात की जा रही है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। ये आप याद रखना,
पैनेट सेल जो होते हैं वो यहाँ पे क्रिप्स ऑफ लोअर कुन से रिलेटेड होते हैं और जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सिग्रेशन कर रहे हैं। यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आए थे। 5-6 क्वेश्चन होते ही है बाहर से, अब इसके चक्कर में पूरा दिनेश रमेश सुरेश पढ़ रहे हो तो वो टाइम का वेस्टेज होता है। आगे हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं टोटल आपको बताया गया है, पर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, लीवर और पैनक्रियाज के बारे में। तो चलिए पहले सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो जानते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होगा, 3 पेयर होते हैं उसमें, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। सब मैक्सिलरी को ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोला जाता है। सबका लोकेशन आप याद रखेंगे, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है तो चीक के पास, मीन्स बीनिथ ईयर, ईयर के नीचे होता है। इसके बाद सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर की बात करें तो जंक्शन ऑफ अपर और लोअर जॉ के बीच में होता है ये, और जो सबलिंगुअल है ये टंग के नीचे होता है, और सारे जो सिक्रेशन है ये आउटसाइड द बकल कैविटी होते हैं जो कि सलाइवरी जूस को बकल कैविटी में करते हैं। ग्लैंड कहाँ है, सारे सारे बाहर हैं बकल कैविटी में, लेकिन सिक्रेशन अपना कहाँ डाल रहे हैं सलाइवरी जूस को, बकल कैविटी के अंदर, तभी तो सलाइवा एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक बन रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं लीवर की। लीवर की कुछ खास बातें मैं आपको पहले बताऊं, हमारे बॉडी का आपसे पूछा जाएगा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है जो कि 1.2 से 1.5 में 1.5 केजी तक होता है लीवर, एडल्ट ह्यूमन में तो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड। इसके बाद कहां ये सिचुएटेड होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में है, डायफ्राम के जस्ट नीचे ही होता है, 2 लोब्स इसमें मौजूद होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कौन सा है, तो हेपेटिक लॉब्यूल्स होते हैं। हेपेटिक लॉब्यूल्स में हेपेटिक सेल्स मौजूद होते हैं, इसके जो कॉर्ड होते हैं वहां से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। ग्लीसन्स कैप्सूल, इसमें जो हेपेटिक लॉब्यूल्स होते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल से कवर्ड होते हैं, ये बात याद रखेंगे आप। ग्लीसन्स कैप्सूल जो है थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ का बना हुआ होता है। इसके बाद गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है वो सिस्टिक डक्ट है। अब एक तो सिस्टिक डक्ट है और दूसरा है हेपेटिक डक्ट, तो दोनों मिलाकर बनते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ये आप याद रखेंगे। तो बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट जो है दोनों खुलते हैं जाकर हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट में, जिनको रेगुलेट करने का काम करता है स्फिंक्टर ऑफ ओटाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से। अब पैनक्रियाज के बारे में, पैनक्रियाज एक कंपाउंड ऑर्गेन है, मीन्स एक्सोक्राइन भी है और उसमें और इंडोक्राइन भी है, इलोंगेटेड ऑर्गेन है। कहाँ सिचुएटेड होता है, तो जो ड्यूडेनम के लिम्स होते हैं बिल्कुल यहाँ सिचुएटेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके लिम्स में ये सिचुएटेड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद हाँ, तो एक्सोक्राइन पोर्शन है तो आपको पता ही है एक्सोक्राइन है तो यहाँ से एंजाइम सिक्रीट होंगे, पैनक्रेटिक जूस वगैरह, और जो इंडोक्राइन है तो उसमें हार्मोन सिक्रीशन होगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये आप डायग्राम यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, दोनों का यहाँ पर सेम ओपनिंग हुआ है जिसको हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट बोला जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो डायग्राम भी आप एक बार देख लेंगे। हाँ जी, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। अब हम यहां से देखते हैं कैसे ये फिजियोलॉजी चलती है डाइजेशन की, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन कैसे होता है। तो पहले तो बात करते हैं बकल कैविटी के बारे में। तो बकल कैविटी में सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट हुआ है मैस्टिकेशन फूड का और स्वेलिंग हुआ है। इसके बाद सलाइवा मिक्स हुआ है, म्यूकस जो प्रेजेंट है उसमें, और तब जाकर फूड बोलस में जाकर कन्वर्ट हो गया। इस तरह का फूड है जो कि सारे जो पार्टिकल्स थे सारे एक जगह एडहेयर हो चुके हैं। इसके बाद जो स्वेलिंग, जो हम निगलते हैं फूड को, तो उस प्रोसेस को बोला जा रहा है डिग्लुटेशन। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती है ओएसोफेगस में। इसके बाद गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर से फूड चला जाता है स्टोमक में। अब जो सलाइवा सिक्रीट हुआ है, अब सलाइवा में मौजूद क्या क्या है आप ये देखेंगे। इसमें जो ये सब आयंस मौजूद हैं, इसके अलावा एंजाइम्स हैं, सलाइवरी अमाइलेज जिसमें टाइलिन होता है, और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल नेचर का होता है। इसमें एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन बोल रहे हैं। वो पीएच पे काम करता है, 6.8 पीएच पे वो काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ रिएक्शन इसमें देख सकते हैं, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है लगभग जो 30%, कुछ किताबें लिखती हैं 30 से 40%, तो मेनली जो 30% स्टार्च होता है वो यहाँ हाइड्रोलाइज हो जाता है माल्टोज में। लाइसोजाइम को मैंने बताया ही एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि इन्फेक्शन से बचाता है हमें। इसके बाद जो म्यूकोसा है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक तो म्यूकस नेक सेल होता है जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करता है। इसके बाद है पेप्टिक सेल्स होते हैं, चीप सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन को, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पेराइटल सेल जिसे ऑक्जेंटिक सेल बोला जा रहा है, यहां से एससीएल सिक्रीट होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये तीनों पार्ट से पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं पूरा, एब्जॉर्प्शन
जो विटामिन बी ट्वेल्व है इसका एब्जॉर्प्शन के लिए ये चीज जरूरी है। तो ये तीनों पार्ट बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, आप याद रखेंगे। स्टोमक में 4 से 5 घंटे तक फूड यहाँ पर अवेलेबल होता है, इसके बाद फूड गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है और इसके बाद वहां चर्निंग मूवमेंट चलते हैं मस्कुलर वॉल के, तब जाकर वो काइम में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां सिक्रीट हो रहा है HCl, जो कि पेप्सिनोजेन है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने में काम आता है। और वहां पर लो पीएच तो इसलिए बनाया गया है ताकि वहां पर रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से हो। अब पेप्सिन है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा इन प्रोटियोज और पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा जाकर वो, तो ये चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे। इसके आगे जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट मौजूद हैं गैस्ट्रिक जूस में, वो ल्यूब्रिकेशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ HCl इतना हाईली कंसेंट्रेटेड एसिड जो रिलीज हो रहा है वो तो पेट को बहुत ही एक्सकोरिएट कर देगा, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर यूज हुआ है इसका, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट मौजूद है गैस्ट्रिक जूस में। अब HCl एक एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है पेप्साइन के एक्शन के लिए। आपसे पूछा जाएगा पेप्सिन कितने पीएच पे एक्ट कर रहा है, तो 1.8 पीएच पे। इसके आगे अब कुछ बचपन की बात यहाँ पे लिखी गई है, रेनिन। रेनिन जो होता है बच्चों में ये मौजूद होता है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है बच्चों में, जो कि मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, पैरा कैसिन कैसिन वगैरह जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है आप वो याद रखेंगे। हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड से लाइपेज का भी सिक्रेशन होता है, तो आप बोलोगे हाँ होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, लेस अमाउंट में। इसके बाद बहुत सारे मस्कुलरिस लेयर है उनमें मूवमेंट होता है, फिर सारे मिक्स हो जाते हैं फूड। अब देखिए, अब बाइल जूस है, पैनक्रेटिक जूस है, इंटेस्टिनल जूस है, अब सारे सिक्रेशन कहाँ होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारे सिक्रेशन होंगे। इसके बाद पैनक्रेटिक जूस और जो बाइल जूस होता है वो रिलीज कैसे हुआ है, हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट आप पहले देख चुके हैं। हाँ, अब ये खास है पैनक्रेटिक जूस जो है उसमें इनएक्टिव एंजाइम है, कौन कौन से है, तो ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। अब देखो, अब इसको कौन एक्टिवेट करने के, क्योंकि सब तो इनएक्टिव फॉर्म है, सबको कोई ना कोई तो एक्टिवेट करने के काम करेगा, तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा जो ट्रिप्सिनोजेन है वो कौन, किसने उसको एक्टिवेट किया, तो ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय इंटरोकाइनेज, तो ट्रिप्सिन में जाकर वो कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प जनरली नहीं करता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, आप देखो ये जो बाइल रिलीज हुआ है ड्यूडेनम में, इसमें बाइल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होता है और फॉस्फोलिपिड, लेकिन इसमें इंजाइम नहीं होते, ये सबसे खास बात है, बाइल जूस में कभी भी इंजाइम मौजूद नहीं होगा, ये आप याद रखना। इसके बाद इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पहले तो बात करें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता क्या है, कोई भी फैट का ड्रॉपलेट है जब उस पर इमल्सिफिकेशन होगा, मींस बाइल जूस का सिक्रेशन होगा बाइल सॉल्ट का, तो छोटे छोटे पार्ट में जाकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस इसको बोला जा रहा है इमल्सिफाइड फैट बोला जा रहा है, मींस कहें तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। अब जो छोटे छोटे पार्ट बने हैं ना ये पूरा का पूरा, इसको मिसल्स बोला जाता है। इसके आगे बात करें, गॉबलेट सेल हमने देखा ही म्यूकस का सिक्रेशन करेगा, ये सब छोटे छोटे चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। ब्रश वॉटर सेल जो म्यूकोसा का है और गॉबलेट सेल सब मिलकर इंटेस्टिनल जूस बनाते हैं, जिसको सकस इंट्रिकस बोला जा रहा है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखा है। अब इस जूस में क्या क्या मौजूद होगा, इंटेस्टिनल जूस जो है इसमें डाइसैकेराइडेजेस है, मींस माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज इसमें मौजूद है, लाइपेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है। अब जो म्यूकस है बाइकार्बोनेट के साथ जो पैनक्रियाज से रिलीज हुआ है, इसमें क्या होगा कि ये प्रोटेक्शन में काम आएगा, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है तो वहां पर प्रोटेक्ट करेगा, जैसे वहां पे प्रोटेक्ट किया था म्यूकस और बाइकार्बोनेट से, यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम चल रहा है। आपको मैंने बात किया था सब म्यूकोसल ग्लैंड में ब्रनर्स ग्लैंड मौजूद होते हैं, ब्रनर्स ग्लैंड ड्यूडेनल ग्लैंड्स हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो पूछा ही पूछा जाएगा, स्टेट पीएमटी में पहले सारे में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, ब्रनर्स ग्लैंड। आगे बात करें हम इसमें, हाँ, तो जो प्रोटीन्स प्रोटियोज और पेप्टॉन्स हैं, अब वो जो काइम में मौजूद थे, अब इन पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का एक्शन होगा पैनक्रेटिक जूस का, तो कन्वर्ट होंगे डाइपेप्टाइड में, पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में एमाइलेज के एक्शन पे, फैट है तो डाइग्लिसराइड्स प्रिय मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होंगे। इसके आगे जो न्यूक्लिक एसिड है उस पर न्यूक्लियस का एक्शन होगा, तो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होंगे और देन न्यूक्लियोसाइड्स में वो कन्वर्ट होंगे, फिर इसके आगे न्यूक्लियोसाइडेज आएगा तो सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में, वो आगे देखते हैं हम लोग। अब जो इंजाइम मौजूद है सकस इंट्रिकस में, तो आगे हेल्प करेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। जो डाइपेप्टाइड्स बना उस पर डाइपेप्टाइडेजेस का एक्शन होकर अमीनो एसिड्स बनेंगे, माल्टोज है तो माल्टेज पे जीजी बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल, लैक्टोज है तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनेंगे, सुक्रोज है तो सुक्रेज एक्ट होगा, इसी को इन्वर्टेज भी बोला जाता है,
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ट्रिक मैंने आपको दिया था इसमें क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज में। इसके बाद ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, सुगर प्लस बेस में जाकर कन्वर्ट हुआ इसमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। आप एक बार रिएक्शन देख लेंगे, बहुत ईजी है, रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार देख लेंगे तो वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है कि एब्जॉर्प्शन सबसे बेस्ट कहां पे हुआ, तो सबसे जो अच्छा एब्जॉर्प्शन है वो इलियम और ड्यूजेनम वाले पार्ट में होता है, और मैक्सिमम डाइजेशन आपसे पूछा जाए तो ड्यूडेनम में होगा। इसके आगे कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। यहां लार्ज इंटेस्टाइन का बिल्कुल इतना काम है कि वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर ले, काफी है। इसके आगे म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है तो सारे को एडहेयर करने के लिए, सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह हो, इसके लिए यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है ताकि लुब्रिकेशन भी हो जाए और इजी उसका पैसेज भी हो जाए। इसके आगे जो भी अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जिसका बॉडी ने हमारा यूज नहीं किया उसको बोल रहे हैं फीकस, ठीक है। आगे जाकर वो इलियोसिकल वाल्व के थ्रू वो आगे जाकर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका बैक फ्लो ना हो इसलिए इलियोसिकल वाल्व है। वाल्व मैंने आपको सारे एक जगह लिख कर रख रखे हैं, उसमें क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट वन में लिंक दे रखा है मैंने नीचे, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जीआईटी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है, तो न्यूरल और हार्मोनल दोनों होता है। जैसा कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सिक्रेशन है तो बिल्कुल न्यूरल ही होगा, पूरा का पूरा न्यूरल सिग्नल से। अब कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी चल रही है जीआईटी की तो वहां के लोकल नर्वस सिस्टम भी रोल प्ले करेंगे और सीएनएस भी। इसके आगे जो हार्मोनल कंट्रोल होता है लोकल हार्मोन्स का, उसमें गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा वगैरह में लोकल हार्मोन्स ही काम करते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे नई टॉपिक को ऐड किया गया है बिल्कुल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन को, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप 1 किलो कैलोरी देख लेंगे, आप फिजिक्स में पढ़ते ही हैं। आप फिजियोलॉजिकल वैल्यू आप याद रखेंगे, पूरे पैराग्राफ में पूछा जाएगा, तो यही नीट 2013 कर्नाटका में यहाँ से पूछे गए थे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक कोई बंदा है वो जाता है रेस्टोरेंट में, तो उसने इतना घी लिया है, इतना रोटी लिया है, तो कितना टोटल कितना उसमें किलो कैलोरी उसने ले रखा है, तो ये चीजें पूछी गई थी वहां से। तो आप वैल्यू बिल्कुल याद रखेंगे, तो ये वैल्यू आपको दे रखा है बिल्कुल कि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का वैल्यू आपको दे रखा है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो दोनों इक्वल है, फैट तो आप जानते ही ज्यादा होगा उसका किलो कैलोरी, तो 9 किलो कैलोरी इसका होता है। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उनका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन तो माउथ में भी होगा, स्टोमक में भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और कुछ हद तक लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, मैक्सिमम आपको मैंने बता रखा है कहाँ होगा। अब कोई भी एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का तो वो ब्लड और लिम्फ में जाकर पास होगा, लिम्फ में जनरली फैट्स के पार्ट आते हैं, आपको डायग्राम मैंने बता रखा है उसमें। अब बात आती है आगे, कुछ स्मॉल अमाउंट्स मोनोसेक्राइड के जैसे कि ग्लूकोज वगैरह का अगर होना है, या एमिनो एसिड्स के कुछ लिटिल अमाउंट्स के एमिनो एसिड, कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयंस वगैरह का, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से पास होते हैं क्योंकि इनमें कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी होती है। आगे बात करें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, ग्लूकोज हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, कैरियर प्रोटीन्स यहाँ पे जैसे सोडियम वगैरह हेल्प करते हैं इसमें और कुछ अमीनो एसिड में, लेकिन आपसे पूछा जाए मेजोरिटी ऑफ अमीनो एसिड्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप याद रखेंगे ज्यादातर जो अमीनो एसिड्स है, या ग्लूकोज गैलेक्टोज की बात करें तो उसमें होता है, इसमें एटीपी करियर प्रोटीन की जरूरत होती है और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का जरूरत है। अब बात आती है फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ये तो इनसॉल्युबल है, तो इनका कैसे आप करवाओगे एब्जॉर्प्शन, तो पहले हम इन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे जिन्हें हमने मिसल्स बोला, बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। आगे ये स्मॉल प्रोटीन से जाकर फैट ग्लोबल्स है उनके ऊपर ये प्रोटीन का लेयर चढ़ जाएगा जिसे कैलोमाइक्रॉन्स बोला। अब बहुत ही इजी ट्रांसपोर्टेशन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बिल्कुल इनका लिम्फ वेसल्स के थ्रू, अब ब्लड स्ट्रीम में वो डायरेक्ट फाइनली उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब ये एब्जॉर्प्शन की कुछ पार्ट देख सकते हैं आप, माउथ में भी हुआ, स्टोमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी। आप ये कुछ सर्टेन ड्रग्स देख सकते हैं जैसे होते हैं ना होम्योपैथी के मेडिसिन, डायरेक्ट ड्रॉप गिराए जाते हैं माउथ में, या कुछ छोटी छोटी होती है टैबलेट जो मीठे मीठे होते हैं खाने में बिल्कुल अच्छे लगते हैं। अब ये स्टोमक है तो इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिंपल सुगर एल्कोहल वगैरह का होता है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन बिल्कुल यही है एब्जॉर्प्शन के लिए, और जो कि चीज मैंने बता रखा है आपको। आगे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन, बॉडी हमारा बिल्कुल चाहता है कुछ चीज बाहर नहीं फेंकना है, ज्यादा से ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन कर ले, कुछ मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कर लेता है, कुछ ड्रग्स वगैरह का यहाँ एब्जॉर्प्शन चलता है। अब जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुए हैं हमारे बॉडी में, अब वो फाइनली कहां तक जाएंगे, अब बॉडी तो ऐसा है नहीं कि वो लार्ज इंटेस्टाइन उसे बचा लेगा या स्मॉल इंटेस्टाइन बचा लेगा, हम तो आगे पास होने ही नहीं देंगे, तो एनर्जी कहां से लाओगे, तो जो एनर्जी है हम जो एक्टिविटी जो काम कर रहे हैं
तो वो प्रोसेस एसिमिलेशन का है। जैसे ग्लूकोज है तो रेस्पायरेशन में जाकर काम करेगा, तो उसका ये काम होता है। जब तक न्यूरल रिफ्लेक्स ना आ जाए, जब तक कोई अर्ज या डिजायर ना हो जाए, तब तक जो फीकस है उनका बाहर डिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो एक वॉलंटरी प्रोसेस है, और जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें डिफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। और यहां पर कुछ पार्ट देख सकते हैं, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो ये सब बातें थी। अब लास्ट ही हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स। जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, डिसऑर्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, और कुछ आप देख सकते हैं टेपवर्म से, राउंड वर्म होते हैं ना जोक वगैरह पेट में, तो हुक वर्म, पीन वर्म। अब बात आती है एक के बारे में डील करते हैं, जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर अफेक्ट होता है, तो स्किन और आई जो है पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें बाइल पिगमेंट जो हमने पढ़ा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन उसका डिपोजिशन होने लगता है, तब जाकर वो येलो कलर का है। नेक्स्ट बात आती है वोमिटिंग के बारे में। तो जो भी हमारे स्टोमेक में है सब माउथ के थ्रू बाहर निकलेगा, ये बात आती है वोमिटिंग में। तो इसमें वोमिट सेंटर जो मेडुला होता है वो रेगुलेट करता है इसमें कंट्रोल। नौसिया के बाद वोमिटिंग आती है, जो फीलिंग ऑफ नौसिया वोमिटिंग को ही बोलते हैं। आगे डायरिया, डायरिया में क्या होता है, बवल मूवमेंट जो पेट का मूवमेंट है उसमें एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होने लगती है, लिक्विडिटी बढ़ जाता है फीकल डिस्चार्ज में। तो नेक्स्ट है इसमें रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जब फीकल डिस्चार्ज में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है लिक्विड की, तो आप तो एब्जॉर्प्शन कहां से अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो ये तो जानते ही है लोग, जो फीकस है कोलोन में है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है, तो बॉवेल मूवमेंट इसमें इरेगुलर हो जाता है। आपने मूवी देखी होगी वो अमिताभ बच्चन की, तो याद होगा उसमें कॉन्स्टिपेशन के ही वो शिकार थे। नेक्स्ट है इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन में जब पेट पूरा भरा हुआ है, लग रहा है डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया है, किन किन कारणों से होता है वो लिख रखा है यहाँ पे, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन से, एंजाइटी से, फूड पॉइजनिंग से, ओवर ईटिंग से, और स्पाइसी फूड। अगर पार्टी में हमने दबाकर खाना खा लिया है और वो भी स्पाइसी खाना है, तो होगा ही इनडाइजेशन, तो बचकर चलें थोड़ा। आगे बात करते हैं पीईएम, नया टॉपिक जोड़ा गया है बिल्कुल, पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जनरली प्रोटीन और जो फूड कैलोरी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी कमी हो चुकी है, तो इसके चलते ये होता है। जनरली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जो है, साउथ अमेरिका, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ ये सब चीजें देखी गई हैं। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमारा इंडिया तो भले ही डेवलपिंग कंट्री, यहाँ ऐसी नहीं देखी जाती, लेकिन जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है जहाँ खाने के लाले पड़ चुके हैं, वहां ये सब चीजें होती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो बहुत ही लार्ज सेक्शन है वहां पॉपुलेशन का, जो कि सुखाड़ में, अकाल में, ये सब चीजों में अफेक्ट होता है पूरा का पूरा सोसाइटी। वहां दो तरह के डिजीजेस होते हैं जनरली, एक तो मैरास्मस और एक क्वासियोरकर। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। सबसे पहले तो बात करते हैं मैरास्मस के बारे में। तो जो भी बच्चे एक साल से छोटे होते हैं उनमें मैरास्मस होती है, क्वासियोरकर में जो भी एक साल से बड़े बच्चे हैं उनमें होती है क्वासियोरकर। तो पहले तो बात करते हैं मैरास्मस के बारे में, जनरली छोटे बच्चे जो है उनमें होता है। इनमें क्या क्या होती है, जैसे इसमें इडिमा नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होती, क्योंकि फैट है नहीं, तो स्वेलिंग कहां से होगा भाई, नॉर्मल हेयर होते हैं बिल्कुल, सॉरी। इसमें जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई पड़ जाता है। ये जनरली होता क्यों है ना, कि जैसे कोई भी मदर है, मदर का मिल्क छूट गया है, और बच्चे कुछ ऐसे फूड ले रहे हैं जिनमें प्रोटीन भी नहीं है, कैलोरीफिक वैल्यू भी नहीं है, तो होगा ही ऐसा मैरास्मस। तो आगे इसमें बात करें प्रोटीन डेफिशिएंसी सिम्टम से, प्रोटीन्स वगैरह है तो टिश्यू रिप्लेसमेंट हो जाती है, इमेशिएशन में दुबले पतले हो जाता है पूरा बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स हो जाता है, स्किन जो है ड्राई, थिन और रिंकल हो जाता है बिल्कुल, ब्रेन और मेंटल फैकल्टी जो ये है ये भी प्रॉब्लम होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है, चाहे क्वासियोरकर हो चाहे मैरास्मस हो, दोनों में ब्रेन को और फिजिकल ग्रोथ को दोनों में प्रॉब्लम होगा। इसके बात करते हैं क्वासियोरकर के बारे में। ये तो था कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों का डिफिशियंसी हो गया था एक ही साथ। इसमें क्वासियोरकर में क्या होता है कि सिर्फ आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी, क्योंकि कैलोरी डिफिशियंसी इसमें होता है। क्वासियोरकर में क्या होगा कि प्रोटीन डिफिशियंसी सिर्फ है, और मैरास्मस में प्रोटीन की भी कमी हो चुकी है और कैलोरी की भी हो चुकी है। तो ये बात थी इसमें। तो डाइट बच्चे ले नहीं रहे अच्छे से, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, लिखा नहीं रहे, उन्हें मिल नहीं पा रहा है उन्हें अच्छे से, लिम्स की थिनिंग हो जा रही है, ब्रेन डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा है, तो दोनों में ऐसा केस है। फैट बच जाते हैं, कुछ कुछ सबक्यूटेनियस फैट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल, एक्सटेंसिव एडिमा, स्वेलिंग की कंडीशन आती है। आप डायग्राम देख सकते हो क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज में, वहां मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, बिल्कुल बेहद दर्दनाक वाली कंडीशन होती है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होती है मैरास्मस और क्वासियोरकर, यह आपने देख लिया है। तो और कुछ देखते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लोगे, ये आप एक बार पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, और उसके बाद चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, पेप्सिन होगा, लाइपेज होगा, रेनिन होगा, तो पहला ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट सकस इंट्रिकस, आपको बताया है मैंने इंटेस्टिनल जूस, इसके बाद बिली रूबिन और बिली वर्डिन, आप खुद ही बताओ। तो बाइल में ये बिल्कुल मौजूद होता है, सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च क्या होगा, तो अमाइलेज होगा। डाइजेशन ऑफ फैट कौन करेगा, लाइपेज करेगा। सलाइवरी ग्लैंड कहां, तो पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, टाइप होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। और ये सब क्वेश्चन तो बोर्ड बेस के लिए है, जो बच्चे देते हैं क्लास इलेवंथ का बोर्ड उनके लिए ये मौजूद है। तो आपको सारा चीज मैंने इसमें कवर करा दिया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। नेक्स्ट लेशन में बात करेंगे हम जो चैप्टर 17 है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम उसकी बात करेंगे। वो भी बिल्कुल दो पार्ट में मैं आपको कंप्लीट करूंगा। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ अंडरलाइन कर दिया है, इसमें हाईलाइट कर दिया है। तो आप पूरा का पूरा ये पार्ट फिर से एक बार रिवीजन कर लें, और एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना ना भूलें। एक बार एनसीईआरटी का पूरा अच्छे से रीडिंग लगा लेंगे आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।